हरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आईरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोय सब साहु। एष सुरासुर मनुषिन्द बंदितं दोदघायिकं मलं प्रणमामि बद्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। एक चर्चा इसमें रह गई थी अपनी, उसको करते हैं थोड़े से। गुरुदेव के वचन है इसमें से, इस मार्ग की प्रणीता हम खड़ी, शब्द क्या है, इस मार्ग की प्रणीता हम खड़े हैं। गुरुदेव ने इसका अर्थ क्या किया, तुम्हें संयम लेने में, चारित लेने में भय लग रहा हो तो हम तुमसे कहते हैं तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मुक्ति मार्ग के प्रणीता, प्रणीता माने जानकार, हम खड़े हैं ना। देखो आचार्य देव की वाणी में कितना आत्मविश्वास और करुणा भाव प्रस्फुटित हो रहा है। वे मात्र इस बात को कहते ही नहीं है अपितु अगली गाथाओं और उनकी टीका में मुनि धर्म धारण करने की विधि भी बताती है। पहली ही गाथा में अनंत करुणा है, क्योंकि जगत के दुखों से छूटने का और कोई उपाय है ही नहीं। पर से सुख की आशा ये अनंत दुख है, पर से सुख की आशा। तीर्थंकर भी किसी को खुश नहीं कर पाए और सारी पटरानियां रानियां मिलकर के भी चक्रवर्ती को खुश नहीं कर पाए, क्योंकि पर से सुख नहीं होता। हम खड़े हैं, अब हम खड़े हैं मतलब अगली जो 74 गाथाएं आ रही है ना जी, हम खड़े हैं। हम रचन स्वामी कह रहे हैं अगली 74 गाथाएं हम खड़े हैं ना, हम बता रहे थे। इतिहास पढ़ते ना, इतिहास डॉक्टरी का इतिहास, पहले ऐसी बीमारी होती थी, अब ऐसी हो रही, अब ऐसी हो रही, ये बीमारियों का इतिहास होता है। तो भी लिख के चले जाती, सब अपने अपने अनुभव लिख जाती, क्या कहते हैं वो नुस्खे, क्या होता है रामबाण नुस्खे। तो जिन्होंने स्वानुभूत होते हैं वो लिख देते हैं स्वानुभूत नुस्खे, ये स्वानुभूत नुस्खा है। जगत में सारे प्राणी दुखी हैं नंबर एक, और जगत के सारे प्राणी सुख का मार्ग बताते हैं, ये भी गजब बात है। क्या बोला हमने, जगत के सारे प्राणी दुखी हैं और सारे जगत के प्राणी दुख से छूटने का मार्ग बताती, लेकिन वो रामबाण उसका नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से सुख समझ में नहीं आएगा, इंद्रिय ज्ञान से दुख दूर करने का उपाय समझ में नहीं आएगा,
इंद्रिय ज्ञान में दुख ही सुख भासेगा। अज्ञानी क्या बोलता है, हम सारे दुख सह सकते हैं, इतना सा नहीं सह सकते। अब इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसने सारे दुख सहने का करार कर लिया, अगली बार उनमें से भी कोई दुख मिलेगा तो वो कहेगा इतना सा दुख नहीं सह सकते, बाकी सब सह सकते। मिथ्या दृष्टि को आप मिलके आओ सारे विषय को, वो कह इतना हम और सारे दुख सह सकते, जी नहीं सह सकते। तुम्हें सिर दर्द हो जाए ना तो तुम्हें लगे भयंकर सिर फट रहा है, बस एक बार पैर टूट जाए तो इतनी तकलीफ नहीं है, कान का दर्द हो जाए तो तकलीफ नहीं है, पेट का दर्द हो जाए तो तकलीफ नहीं है, हम पड़े तो रहें कम से कम, लेकिन पैर की तकलीफ है तो हम तो उठ के बाथरूम तक नहीं जा सकते। मैंने ये जीव ज्ञान कैसे कैसे को तर्क सोचता है, हमें बीमारी हुई तो हमें ऐसा लगता एक जी सर्दी ना हो, रात रात भर नींद नहीं आती और आंखों खुजली चलने लगती, आंखों खुजाल चलती, पढ़ भी नहीं सकते, कुछ खा पियो तो छींकों के मारे परेशान हो, फिर पेट तकलीफ, तो ऐसा लगता जी ना हो भले और कोई तकलीफ हो जाए, फिर हमें विकल्प आए मैंने और कौन सी तकलीफ मंजूर, बोलो पैर में कांटा चुभ जाए पहाड़ पे से आते समय तो तुम्हें क्या लगेगा भाई सिर दर्द हो तो हम बांध के सो जाएंगे, आंखों में दर्द हम बांध के सो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब मिथ्या दृष्टि ने ये दुखों को बांधा है, मिथ्या दृष्टि ने इन दुखों को बांधा, क्योंकि अब कल तो बहुत बड़ी बात चली थी, सारे विश्व के धर्म पाप के उदय को दुख कहते हैं, और एक जैन धर्म ऐसा है, मुमुक्षु ऐसे हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महावीर भगवान ऐसे हैं जिन्हें पुण्य का उदय भी दुख रूप लगता है, क्योंकि पुण्य का उदय तो इस शरीर को मिलता है, आत्मा को क्या मिलता है, जैसे आज बढ़िया भोजन मिल गया तो शरीर को मिला, आत्मा को क्या मिला, अच्छे कपड़े मिले तो शरीर को मिले, पत्नी बच्चे अच्छे मिले तो शरीर को मिले, आत्मा को क्या मिले, अभी तुम्हारे अरबों रुपये की जायदाद हो जाए और एसी कूलर पंखा और मरते समय आत्मा अकेला चला जाए, शरीर ही पड़ा रह जाए, मैंने ये बहुत कम लोग हैं, करोड़ों लोगों में से ऐसे कोई होंगे जो अनंत काल के समस्त दुखों को दूर करने का उपाय करे। क्या कहा, अनंत काल के समस्त दुखों को दूर करने का उपाय कोई बिरला करेगा। रिश्वत लेते हैं लोग, रिश्वत तो क्यों ले लेते, अरे आज तो मजा हो जाए, अभी तक तो फंसे ही 10 साल से हम, उसे ये नहीं मालूम कि अन्याय कभी सहा नहीं जाता, अन्याय कभी नहीं सहा जाता। अन्याय कभी नहीं होता, सहा नहीं जाता, होता ही नहीं अन्याय कभी। ठीक है 10 साल पुण्य का उदय था, आपको पता नहीं, आपको लग रहा है हम चतुर हैं, यदि तत्काल पाप का उदय आ जाए ना तो शायद ये जीव डरे, तुम खाओ फौरन दर्द हो जाए तो फिर तुम खाने से बचोगे, तुम चोरी करो फौरन पकड़े जाओ तो बचोगे, लेकिन बस यही एक छल है, छल छल मतलब पुण्य के उदय में 10-25 साल इसकी चतुराई चलती दिखती है इसको जी। और हमें इसमें क्या लगता है, हमें इसमें क्या लगता है कि आज कर्म बंद होगा तो उदय तो आएगा, क्योंकि कर्म के उदय में अन्याय नहीं होता। क्या कहा, कर्म के उदय में अन्याय नहीं होता, 25 साल के कर्म कितने साल भोगे, ध्यान सुनना मुझे, एक समय भी अपने साथ अपराध मत करो, क्या कैसी कैसी कथाएं हैं, थोड़ी सी देर की सजा 22 साल। स्वामी जी बार बार करुणा से कहते थे, बार बार कहते थे, चक्रवर्ती की आयु 700 वर्ष थी और 7वें नरक गए, तो वहां की नरक के टाइम में यहाँ के 700 वर्ष का भाग दिया, यहाँ के 700 वर्ष का भाग उसमें दिया, तो कितने कितने वर्ष आए उसके, मैं तो याद भी नहीं रहता जाने कितने कितने लाख हजार करोड़ वर्ष, एक एक श्वास की सजा, एक पद से नहीं, इसकी सजा मान लो अंदाजी ले लो 11 लाख साल, मान लो अंदाजी ले रहे है तो ज्यादा, एक पल्स की सजा
मैं 7 वर्ष में इतना कर्म बंद हुआ, इतना सब, ये जीव अनंत काल नरक में कैसे दुख भोगे? इसलिए कह रहे हैं, यदि तुम्हें दुखों से मुक्ति पाना हो, एक दुख नहीं है, ध्यान रखना, अनंत दुख है। हम अज्ञानी ये सोचते एक ही दुख है, इतना सा दुख नहीं होता तो कोई दुख ही नहीं। ये मिथ्यात्व है, इतना सा दुख नहीं होता तो नौकरी बहुत अच्छी थी, बस थोड़ा बॉस अच्छा होता। समीशिका जी बहुत अच्छा, भाई इतना सा थोड़ा सही हो जाता है। सुनो, आत्मा को भूलने वाला अनंत दुखी है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान से उसे अनंत दुख समझ में नहीं आता। उसे जो दिख जाता है ना स्थूल, उसे दुख का कारण मानता है। फिर से सुनना ध्यान से, मेहनत लगेगी बड़ी। जो दुख का कारण दिखता है वो है नहीं, निमित्त दुख के कारण नहीं है, संयोग दुख के कारण नहीं है। लगता यही इन्होंने हमें बुरा कहा, कर्म दुख देते हैं। जिनवाणी पढ़ करके देखो, अभी आप 9 कर्म को दुख का कारण मान रहे थे, हमारे संयोग दुख देते हैं, हमारे भैया दुख देते हैं, हमारे पिता दुख देते हैं, दुनिया दुख देती है। आचार्य देव कह रहे जो तुम्हें दुख का कारण दिख रहा है वो है ही नहीं, 1% नहीं। सम्यक दर्शन करो तो सा अपना कर्म, यहाँ तुम्हारा कर्म है, सही है। अब आचार्य देव कदम आगे जाकर कह रहे हैं तुम्हारे कर्म का उदय भी दुख का कारण नहीं। जैसे 9 कर्म दुख का कारण नहीं है, ऐसे द्रव्य कर्म भी दुख का कारण नहीं है। ये हाथ टूट गया इधर से, ये हाथ टूट गया से, तो ये हाथ का टूटना तो दुख का कारण है ही नहीं, ये तो कर्म का उदय दुख का कारण है। ठीक है ना, एक कदम सीधे से उधर बढ़ गए अपन। गरीबी है इससे दुखी नहीं है, पाप कर्म का उदय इसलिए गरीबी है, तो पाप कर्म के उदय से दुखी है। अब तीसरा कदम लो, तीसरा कदम आचार्य देव कहते हैं पाप कर्म के उदय से दुखी नहीं है, पाप भाव से दुखी है। पाप भाव से दुखी है, पाप भाव मतलब तुम ज्ञायक को ज्ञायक नहीं जानते, कर्म के उदय को कर्म का उदय नहीं जानते, अकर्ता को अकर्ता नहीं जानते। मिथ्या दृष्टि का दुख कौन सा पता है? सारे जगत जिसे दुख कहते हैं वह उसका दुख है। कुछ कहा हमने, क्या कहा? सारा जगत जिसे दुख कहता है उसे वो दुख समझता है, सर्वज्ञ जिसे दुख कहते हैं उसे दुख नहीं समझता। समझ गए? शरीर दुख का कारण नहीं है, शरीर का परिणाम दुख का कारण नहीं है, कर्म का उदय दुख का कारण नहीं है, पाप भाव दुख का कारण है। क्या दुख का कारण है? अब समझ में नहीं आया वो पाप भाव। इस देह को आप इतना भजन देते क्यों हो? इस देह को आप रूप अनुभव करते क्यों हो? अपने को ये देह मानते क्यों? ये पाप भाव है, मिथ्या। तुमने संयोग से सुख माना क्यों था? हाँ, संसार में तो सम्मान, अरे कोई नहीं मानता, सम्यक दृष्टि नहीं मानती संसार में पर से सुख। पूर्व कर्म का उदय को टालने के लिए प्रसन्न होते हैं, चलो पूर्व कर्म का उदय टला, कोई मुझे दुख नहीं देता। दुख इसे देता रहता है इसका ही भीषण 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 अज्ञान, दुख इसे देता रहता है इसका ही भीषण अज्ञान। पढ़कर सुनकर नहीं समझता, यही एक आश्चर्य मान। कर्म का उदय दुख देता है कि नहीं? वो भी नहीं देता, पाप भाव दुख देता है। अब अज्ञानी क्या करता है? वर्तमान का पाप भाव दुख का कारण उसे भी नहीं समझता। वो हमने पहले कर्म बांधे हैं, देख लेना आपको लोग कैसे मिलेंगे। पहले हमने ज्ञान की विराधना करी है, पहले धर्म की विराधना करी है, पहले आराधना की विराधना की है, पहले भगवान की कीमत नहीं करी, वो भूतकाल में डाल दिया। हम तो कह रहे भूतकाल का विराधना से भी वर्तमान में दुखी नहीं हो सकते, भूतकाल की विराधना से भूतकाल में दुखी थे। तुमने 1 साल पहले 10 साल पहले लड्डू नहीं, मतलब रोटी नहीं खाई थी तो उस दिन भूख लगी थी, उस दिन भूख का डर था, आज कैसे आ गया? समझ गए क्या कह रहे? पिछले जन्म का तो उसी समय भोगा आपने, वो थोड़ी अभी आया है। सब कर्म का उदय तो आया, तो कर्म का उदय तो उस समय भी आया था, तो हम क्या करें? आप तो ये बता दें, हम तो ये कह रहे हैं ये करो, अब भी अपने को भगवान देखो।
अंत में निराशा हाथ लगेगी, बाहर से सुख की आशा कभी पूरी ना होगी। तुम कहते हैं ना गलती करने के बाद दुख होता है, तो पता ही इस गलती में नहीं, हर गलती में खाने के बाद भी अंत में निराशा हाथ लगेगी, पर से सुख की आशा नहीं। पंडित साहब की नारी है, करो करो अपना विश्वास, छोड़ो छोड़ो पर की आस, पर की आस छोड़ो। तो पूर्व कर्म की विराधना है ना, पहले की विराधना है, वो उससे दुखी नहीं है। ये तो समझाने के लिए अज्ञानी जीवों को उधर समझाती, बहुत बहुत मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि सारा जगत कह रहा है कि तुम इससे दुखी हो, लेकिन मैना सुंदरी कह रही मैं दुखी नहीं हूं। सब आंसू आ रहे थे वहां, मिथ्या दृष्टि, पिता माता बहन और जितनी दरबारी सब खड़े थे, आंसू आ रहे थे, हाय हाय री मैना। फिर पिताजी रोने लगे, रे रे मैंने क्या कर दिया, शादी हो जाने के बाद। अरे तुम करने वाले होते कौन हो, कर्म को देखो टालेगा कौन, कौन टालेगा। अरे उसका चित्त कितना प्रसन्न था, क्योंकि तुम जहां दुख देख रहे हो वहां दुख नहीं है। हाँ ये बात सही, मिथ्या दृष्टि जहां दुख मानते हैं वो दुख सर्वज्ञ नहीं मानते। स्वाध्याय करने का फल है, सर्वज्ञ जिसे दुख कहते हैं उसे दुख मानो। क्या बोला हमने, उसे दुख मान, तो स्वाध्याय का फायदा है। हम पर से सुखी नहीं हुए, तो आचार्य से कहो, पंडित साहब से कहो, तो पंडित साहब कहते हमें तो पहले ही मालूम था। हुआ ना होगा कोई सहाय, झूठी आस तो जो है, हाँ प्रवचन की बात हमसे कहो। जैसे लोग आते हैं हम बड़े दुखी हैं, तो आश्चर्य नहीं है ये, तुम परम के आश्रय से भी सुखी हो जाते तो फिर आश्चर्य होता हमें। तो ये सिद्ध भगवान दुखी होंगे, विश्वास रह से सुखी हुआ, तुम पर आश्रय से सुखी हुए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कोई सही होगा दोनों में से, या तो भगवान सुखी है ये बात सच्ची है, और नहीं तुम सुखी हो ये बात सच्ची है। पंडित साहब कहते हैं हमें इसमें आश्चर्य नहीं है कि तुम दुखी हो, हमें आश्चर्य इसमें है अभी भी तुम अनंत काल उसी में सुख ढूंढ रहे हो जी। अभी भी लग रहा है ऐसा नहीं, वैसा होता तो सुख हो जाता, ऐसा नहीं वैसा होता तो सुख हो जाता, लेकिन अनंत काल में वहां सुख नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस मामले में तुम एक बात कहेंगे, पर से सुख की आशा करने के मामले में एक बात, जीवन में कोई भी कदम उठाओ पर से संबंधित, तो पहले देख लो, आंख खोल के देख लो, एक्सपेरिमेंट मत करो अपने साथ, एक्सपेरिमेंट बहुत महंगा है। तुम्हारा भवितव्य जोरदार होगा तो तुम्हारी खोज अवश्य पूरी होगी, तुम्हारा निर्णय अवश्य होगा कि पर में सुख नहीं। बोलो मत, सोचो नहीं, निर्णय होने दो। जब हम जल्दी बोल देते हैं तो निर्णय नहीं होता उससे, हम इसलिए मना करते हैं जल्दी बोलने के लिए। आप बोलो मत, सोचो, देखो ना, तुम एक एक की लिस्ट बनाओ, तुम्हारे जितने परिचय थे उनका लिस्ट बनाओ, बताओ विवाह करने के बाद कौन कौन सुखी हो गया, ईमानदारी से लिखो। मित्रों को देखो, जिनको देखो उन्हें देख लो, सबको देख लो, हम देखो पुराण में से देख लो, फिल्मों में से देख लो, सीरियल में से देख लो, नल दमयंती का आता है, नल दमयंती का, और नल सब कुछ हार गया, कपट से उसके भाई ने उसे हरा दिया, जुआ में सब हार गया, तो बहुत दुखी हो गया, आत्महत्या करने के भाव करने लगा वो नल, और अपनी पत्नी को छोड़ के भी चला गया जंगल में, अकेली अपनी पत्नी को छोड़ के भी चला गया। अब 12 वर्ष तक नहीं मिला वो पति, जंगल में बेचारी भटकती रही वो 12 वर्ष, फिर वो मालूम पड़ा। तो उसके पहले एक बात थी, जब वो आत्महत्या ही कह रहा था, तो दमयंती ने एक बहुत अच्छी बात कही, हमें आत्म कल्याण का सहयोग आया है, पुण्य का उदय है। यदि हम राजकाज में होते, महलों में होते, तो वन खंडादि में रह करके आत्म आराधना नहीं कर पाते, ये तो सौभाग्य है अपना। मैंने उसने डिप्रेस नहीं होने दिया, प्रसन्न, बिल्कुल प्रसन्न थी वो, कोई बात नहीं,
मैल छूटा है, आत्मा थोड़ी छूटा है, जिन शासन थोड़ी छूटा है, ऐसा बोले वो मैल छूटा है, राज गया है, लेकिन जिन शासन का राज थोड़ी है, चेतन का राज थोड़ी चला गया, अंत अनंत गुणों का व्यवहार थोड़ी चला गया, आत्म कल्याण करने की सेनाई बज रही है। यही तो दुखों से मुक्त होना हो तो हम खड़े, हम खड़े मतलब अब आचार्य तो चले गए अमृतचंद स्वामी, ये खड़े कैसे? अब इसमें एक शब्द की बात करना है, हम खड़े का मतलब क्या है? हमारा हमारे स्वानुभव लिखे हुए हैं, इनसे कभी धोखा नहीं होगा, आप अवश्य सफल हो गए। इससे हम खड़े पढ़ो तुम, हम खड़े का मतलब समझ गए, हमारे सिद्धांत खड़े हैं, हमारी देशना खड़ी है, हमारा तत्व निर्णय, हमारा स्वानुभव खड़ा हुआ है तुम्हारे साथ। कल हमने यही तो कहा, तुम पढ़ते क्यों नहीं? जैसे तुम्हें समस्या एक तो लिस्ट बनाओ, उसमें ढूंढो, अब जी लिखा है इसमें सब, हमें तो इसी में से आनंद आता है, इसमें ही सुखी होने की विधि लिखी हुई है। समझ में आ रहे? हम खड़े, हम खड़े का मतलब समझ गए, ये सिद्धांत खड़े। पंडित साहब कहते हैं जब तुम्हें ऐसा लगे हम अकेले हैं, तो तुम स्वाध्याय करते समय देखो 3 कम 9 करोड़ मुझे तुम्हारे साथ है, पंच परमेश्वर तुम्हारे साथ है, 2.5 दीप के सारे धर्मात्मा सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वर्ती आदि सब तुम्हारे साथ है, अकेले कहाँ है? अकेले कहाँ है? बनखंड आदि में भी तुम अकेले नहीं हो, पंच परमेश्वर साथ है, जपो ना। और तुम जपते नहीं, हम क्या करें? तुम भक्ति नहीं करते, हम क्या करें? बताओ, धर्मात्माओं पर कष्ट आए तो धर्मात्मा ने 2 काम किए, जब भी कष्ट आए धर्मात्माओं पर कष्ट आए, आते ही हैं, सब पे आते हैं, आने भी चाहिए, आना न्याय है, कष्टों का आना न्याय है जी कह रहे हैं। अत्यंत स्थूल न्याय से कहो तो कष्ट आए बिना, प्रतिकूलता के बिना ये वैराग विरक्त नहीं होता, सोचने को मजबूर हो जाता है, ओह हमने क्या नहीं किया, हमने सब कुछ तो किया, तो सोचने को मजबूर हो जाता है। देखा तुमने, अनुकूलता में तुम्हें कुछ नहीं होता, प्रतिकूलता आने पर, पाप पौधे आने पर सबसे पहले आप सोचने को मजबूर होते, ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, अब क्या गलती करी? अरे और सोचो, विश्व में कौन सुखी हुआ? सोचो, हुए हैं सुखी? जे देखो सुखी हुए, तो ये कैसे सुखी हो गए? आप पुराण क्यों पढ़ते हैं? अपन पुराण को स्टोरी की तरह मत पढ़ो, पुराण इतना संबल देते हैं इसकी हद नहीं। जो सैनिक होते हैं, सैनिक दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट सैनिक भोगता है, दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट सैनिक भोगता है। क्यों क्यों भोगता है? पता नहीं कब ऑर्डर आ जाए, कहां जाना पड़े, शादी तक हो रही हो नहीं, ऑर्डर आ गया, जब पहुंचो हो जाता नहीं तुम्हारा। कश्मीर में कितनी हजार पुलिस लगाई थी, हर हर कित्ते पे इतनी इतनी पुलिस लगी थी, और कितने दिन तक लगी रही, वो बेचारे नेट भी नहीं, AMP का व्यक्ति वहां लगा कश्मीर में, और पत्थर फेंक सकते हैं, गोली मार सकता कोई कहीं से भी, आतंकवादी घरों में भी, आतंकवादी मुसलमान पत्थर मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और रात दिन 24 घंटे पहरेदारी, लॉकडाउन में पढ़ा मैं ऐसे, महीनों पत्नी नहीं मिली, महीनों बच्चे नहीं मिले, फोन पे बात तक नहीं हो पाए, सीमा पे खड़े हुए इतनी माइनस में तापमान, इस यहाँ पत्नी बेचारी याद ही करती है वो मरे ही गए कब, युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार पहुंचा दिए उन सैनिकों को, जाओ कुछ नहीं कह सकते आप कि गलत है कि सही है, जाइए यार। सोचो आप क्या समझते हो, इनका दर्द क्यों मुझे ज्यादा लगता है? ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और जवान हैं, और जवानी के दिन इनके युद्ध के मैदान में कटते हैं, चाहे बाहर में वर्ल्ड वार में चले जाएं, चाहे विदेश चले जाएं, चाहे कश्मीर चले जाएं, उन्हें तो विदेश जैसे ही है,
मध्य प्रदेश का आसाम ही लगा दिया। अब चला गया बेचारा, अब कब आएगा, नहीं आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। पुराण पुरुषों का इतिहास क्यों पढ़ते हैं अपन? ये सब संकट का सामना करके भगवान बनी, संघर्ष करके भगवान बनी। दौलत राम जी क्या कहते हैं, जब तक तुम्हारी अनुकूलता छिने उससे पहले अपना काम कर लो। क्या कह रहे, तुम अनुकूलता बीत जाए, प्रतिकूलता आए, उससे पहले अपना काम कर। जब लो ना रोग जरा गही तब लो, विचार करो, बुद्धि पर कर लो तो कर लो, नहीं करो तो चले जाएंगे। यही दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो श्रावण्य को धारण करो। श्रावण्य मतलब यही सुख रूप है, शुद्धात्मा ही सुख रूप है। एक ही मार्ग है। थोड़ी सबसे पहले प्रवचन की पहली जान क्या करी थी हमने, सब दुखी हैं और सब सुखी होने के अपने अपने उपाय बता रहे हैं, एक उपाय सही है बस। ये कह रहे हैं हम खड़े हैं, हमारे सिद्धांत खड़े हैं, अनादि अनंत सिद्धांत खड़े हैं हमारे। लोग के सिद्धांत नहीं खड़े हुए जिस तुम्हारी शादी करा दी बेटा, मान लो बेटा मान लो, अब तुमने शादी की, अब तुम दुखी हुए, अब तुम उनसे कवकाय दत्ता, तुम तो खूब कह रहे थे, तुम्हें मालूम क्या कहेंगे, बेटा संसार में कोई सुखी नहीं। हाँ देखो, सबको कोई ना कोई दुख लगे, तुम तो ये देखो कि ज्यादा दुखी वालों से तुम कितने अच्छे, तुम्हारा इतना तो पुण्य का उदय है कम से कम। गोपाल दास जी बरैया जी का हमने सुनाया, सभी लोग सुनाते हैं, हमने भी सुनाया। तो बहन जी ने कहा, कल्पना बहन जी ने, सबको उसके दुर्गुण मालूम है, एक गुण उसका बहुत अच्छा था। तो हमने पहली बार सुना भाई, हमें किताबों में तो पढ़ा नहीं था, अरे कौन सा गुण अच्छा था। तो बोली कि गोपाल दास जी को हरी मिर्ची की चटनी अच्छी लगती थी, नींबू हरी मिर्ची की चटनी अच्छी लगती थी। तो पंडितानी चाहे आगरा से मंगाएं चाहे कहीं से मंगाएं, मैं उनके लिए भोजन में चटनी जरूर बना दी। मैंने बहुत बढ़िया आत्मकल्याण के सिवा कोई रास्ता नहीं। अनंत काल का दुख दूर करने लायक है। तो वो कह रहे हैं, तो उनके सिद्धांत तो पीछे हट जाएंगे, भी नहीं, इनमें कोई नहीं कह रहा हम खड़ी जी, कह रहे हम खड़े। जो मुझे अंतर बताना था, जगत के लोग जैसे डॉक्टर कहता है एडमिट हो जाओ, आईसीयू भर्ती हो जा, मर गए, अब वो नहीं कह रहे हम खड़े, तुम्हें लाखों रुपए ले लियो हम खड़े, भी नहीं कह रहे हम खड़े, भाई देख लो भगवान के हाथ में साइन करा ले। यहां तो ये कह रहे हम खड़े, दुखों से मुक्ति पाना हो तो श्रावण्य को धारण करो। तो कैसे धारण करें, अब उसकी चर्चा आएगी, अब उसकी चर्चा अपन पढ़ते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको धीरे धीरे। आज वो नहीं चलाया, हमें कोई कम है तो ऐसे सुनो आप ध्यान से। वृद्ध जनतीय पुत्र बंधु वर्ग से ले अनुमति, वीर दर्शन ज्ञान तप चारित्र अंगीकार कर, रूप कुल वैवान गुणमय श्रमण जन को इष्ट जो, ऐसे गणी को नमन करके शरण ले अनुग्रहित हो। अभी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, दो बातें कहीं, एक तरफ से छूटे और एक जो गुरु होते हैं, गुरु गणी गणी कहने गुरु, उनके चरणों में आकर के समर्पित हो गए। यहां से छूटे यहां आए, क्यों उन्होंने क्या कहा हम खड़े तो आ गए उनके पास, तो उसकी चर्चा होगी। दीक्षार्थी सबसे पहले बंधु वर्ग से पूछकर अनुमति लेने का नहीं लिख रहे,
पूछते हैं, काइंड इन्फॉर्मेशन, अनुमति नहीं मांगती। पूछना माने बताते हैं, आएगा अभी उसको पढ़ो। दीक्षार्थी सबसे पहले मतलब दो अधिकार पढ़ चुकी हैं, दो अधिकार पढ़ने के बाद वैराग्य हो गया उसे, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित हुआ है, वैराग्य हुआ है, अब वो आगे बढ़ रहा है। तो क्या कर रहा है दीक्षार्थी, सबसे पहले बंधु वर्ग से पूछकर, माता पिता आदि बड़ों से एवं स्त्री पुत्र आदि से छूट कर इसका क्या मतलब, उनसे छूट कर मतलब वास्तव में तो उनसे रिलेटेड मोह से छूट कर जी। कहने में आता है माता पिता से छूट कर, लेकिन जब माता रोएगी तो उस समय मोह खड़ा होगा, तो ठीक है हम नहीं जा रहे। श्रीमद जी दीक्षा लेना चाहते थे तो उनकी माँ रोने लगी, बेटा जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो तुम मत जा। ठीक है, मालूम पड़ा माता जी जिंदा नहीं बही गुजर। वही गुजर गए, उनकी आयु पूरी हो गई, लेकिन वे दीक्षा नहीं ले पाए। छूट कर मतलब समझ गए, उनसे संबंधित मोह से छूट कर। मोह बड़ा विकराल है, मोह बड़ा विकराल है, बहुत पुरुषार्थ से छूट कर, लड़ झगड़ कर नहीं, ध्यान रखना, माता पिता से, बंधु वर्ग से, बड़ों से, स्त्री पुत्र आदि से छूट कर। बंधु वर्ग समझ गए, रिश्तेदारों से तो पूछा जाता है और अपने लोगों से छूटा जाता है, दो अर्थ हैं, बंधु वर्ग भाई और जो परिवार और रिश्तेदार होते हैं ना, और ज्वाइंट फैमिली और भी होती है रिश्तेदार, उन सबको समाचार देते हैं भाई दीक्षा लेने का भाव हुआ है, तो उन्हें बताती, और अपने माता पिता और पत्नी बच्चों से छूटती हैं। क्यों, उनसे छूटने का मतलब समझिए, उनसे संबंधित मोह से छूटना है। फिर क्या होता है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करके कुल रूप तथा वैसे विशिष्ट गुणाढ्य और श्रमणों को अति इष्ट गणी श्रमण से मुझे स्वीकार करो, ऐसा कहकर प्रणाम करता है और अनुग्रहित होता है। अनुग्रहित होते का सुना होगा हिंदी में, अनुग्रहित, इंग्लिश में इसको कहते हैं ओवलाइज, अनुग्रहित होता है माने कृत कृत्य होता है, प्रसन्न हो जाता है। ओहो, जैसे कैंसर का मरीज हो और सबसे बढ़िया डॉक्टर उसे ग्रहण कर ले, तो अनुग्रहित हो गया, निश्चिंत हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ माने कृत कृत्य हो गया, सबसे अच्छे डॉक्टर मिल जाए तो आप निश्चिंत हो गए, अरे अब तो हो गया। होता है देखा, वो कैंसर का ऑपरेशन कराना है और 10 डॉक्टर हैं और सबसे बढ़िया डॉक्टर पे आपने ट्राई किया, वो ना ले, दूसरी आ जाएंगी, तीसरी आ जाएंगी, चौथी जाएंगी, लेकिन मन नहीं भरता, अरे भैया भले 50,000 ज्यादा लग जाते, किसी तरह उसकी तारीख मिल जाए तो अभी भी ट्राई करो, ये तुम्हारी कोई पहचान का हो तो उससे कहलवाओ, कोई CM वगैरह का हो परिचय तो उससे कहलवाइए, इससे कह दो हमारा केस ले ले, नेताजी का स्पेशल है, सांसद का, विधायक, कैसे ही तो ले ले। सुनो कितने बढ़िया हैं मुनिराज आचार्य जिनसे दीक्षा लेना है, वे आचार्य कैसे हैं, कुल विशिष्ट, इस सर्वोत्कृष्ट गुण है उनके, कुल विशिष्ट, बदनाम कुल के नहीं है, अंजन चोर भगवान बन सकता है लेकिन आचार्य नहीं बन सकता, समझ गए, अंजन चोर भगवान बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यों गुरु बनेंगे और किसी को दंड देंगे या कोई बात करेंगे तो झट कह देंगे तुम कितने करके आए हो, तुमने कितने पाप करी हैं, हमारी इतनी सी गलती भी कह रहे हो, तुमने तो इतना किया, तो ऐसा नहीं, कुल भी बढ़िया होना चाहिए, लड़कियों को लाना कुल का दे दे, तुम्हारे पिताजी भगा के ले आए थे,
उलाहना दे देते, बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो कुल अच्छा होना चाहिए, इसलिए विवाह आदि में कुल देखा जाता है। आजकल लड़का देखते हैं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। लड़की मत देखो, लड़का मत देखो, पहले कुल देखो। क्यों? यदि उनके कुल में वैसे ही खान पान होगा, वैसे चाल चलन होगा, वैसे उठना बैठना होगा, वैसे हंसना खेलना होगा, वैसे मोबाइल छाप संस्कृति होगी, तो फिर वो मुश्किल है। फिर इस समय ऐसे तो फिर सभी लड़का ऐसे हो गए, सभी लड़की ऐसी होगी, तो होगी तो होगी, तो कुल विशेष नहीं देखोगे तो दुखी होगी। एक एक शब्द दिया, कौन से आचार्य पास जाना, कुल विशिष्ट। अभी आपने देखा मुनि संगम में कोई आती है बात, इनके गुरु कौन थे पता है सबको? माने वर्तमान में आचार्य हैं, लेकिन उनके गुरु का नाम लेके आए भ्रष्ट है जी, इनके गुरु भ्रष्ट थे। ये कुल, कुल समझ गए, कुल का मतलब समझ गए। ये तो एक तो यहाँ परिवार वाला कुल बता दिए, अब दूसरा कुल आचार कुंद कुंद किया परिपाटी में, वो कुल है। 20 पंथ आमनाए में नहीं, शीतलाचारी संघ में नहीं, इनके कुल में बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, आचार्य हुए हैं, गणधर हुए हैं, बड़ा कुल। वो हम क्या करें, कोई दीक्षा नहीं दे रहा था, 20 पंथी वाले मिल गए, उनमें हम दीक्षा दे रहे थे, हमने उनसे ले ली। कुल कुल चेक करो, ऐसा तो नहीं बस आचार्य कुंदकुंद का नाम ले रहे हैं, और 20 पंथ में भी कुंदकुंद स्वामी का नाम लिया जाता है। काम पूरा मिलावट का है, आचार्य कुंदकुंद स्वामी का नाम लेकर के भी दीक्षा में नाम उनके लेते हैं आचार्य कुंदकुंद, ग्रंथों में आचार्य कुंदकुंद का नाम लेते हैं, 20 पंथ आम नाम, लेकिन उनके अष्टपावड़ को मानते ही शीतलाचार नहीं करना, वो समझ में नहीं आती वो बात। तो कुल को चेक करना है। फिर रूप, रूप अब दोनों प्रकार से रूप लेना, हम तो दूसरे नंबर का लेना चाह रहे, लेकिन पहला तो मैं समझाने के लिए, रूप तो समझते हो ना अब आपने, झट लगा सुंदर कि नहीं, नहीं नैतिक मूल्यों से सुंदर, आंखों में सौम्यता हो, आंखों में उद्वेग ना हो, चेहरे पर उद्वेग ना हो, वाणी में चंचलता ना हो। सुंदर किसको कहते हैं, सुंदर 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 किसको कहते हैं? सबसे पहले सुंदर देख करके हम बस तो सुंदर की परिभाषा ही नहीं मालूम। शरीर की सुंदरता सुंदरता नहीं कहलाती, आप पूरा साहित्य पढ़ के देखो, साहित्य शरीर की सुंदरता को, और इसीलिए हमने लिखा ना गुण सुंदर, उसमें सुंदरता का वर्णन है, उसमें सुंदरता का वर्णन जी, सुंदर थोड़ी है, इसलिए उसका नाम गुण सुंदर रखा, तन सुंदर नहीं रखा। गुणों से सुंदर सु क्यों, कोई लड़की लड़का बहुत सुंदर है, या कोई लड़की बहुत सुंदर, लेकिन जब उसका खान पान देगा, मैंने सुना था अखबार में आया था, फिल्मी हीरोइन है जिनके नाम है, मतलब कांकरोच जिंदा ऐसे ऐसे कांकरोच ऐसे करते हैं, ऐसे खाया है घोगा वगैरह क्या क्या, ऐसे जिंदा ऐसे खाया है। आप क्या सुंदर लग रही हो, अब उस क्या सुंदर लग रहा है, वो आचार्य ने विरक्त होने के लिए एक बहुत अच्छी गाथा लिखी है, मुझे बहुत पसंद है, उसने मेरा बहुत काम किया, मेरा जीवन का 100% काम ही लगा उसने किया। सुनने में तो सरल है, सुन चुके होगे कई बार, पढ़ी भी होगी, लेकिन वो मुझे वो उसकी वो लाइन 100% काम कर गई। वो है स्वभाव के समीप जाकर देखने पर। तुम्हारे कितने मित्र बैठे चेन्नई में, कितने फ्रेंड हैं तुम्हारे, हैं? हाँ काफी थे, 100, 50, 25। अब तुम उनके निकट रहते हो ना, तब तुम जानते हो कि इनमें कौन अच्छा है कौन खराब है। कुछ देखने के अच्छे हैं तो खर्चा फालतू करती, कुछ खर्चा करने में बढ़िया हैं तो माँ बाप की उपेक्षा करती, माँ बाप की केयर नहीं करती। मैंने आपने देखा हुआ तब आपको लगता है, मैंने अभी वहाँ कोटा में कहा था, कोटा में हॉस्टल में विद्यार्थी पढ़ते हैं,
इस मार्ग में पढ़ते हैं। तो मैं हॉस्टल में जाता हूँ ना, तो उन विद्यार्थियों को एक शिक्षा दे के आता हूँ कि बेटे फ्रेंड सर्किल में रहना भी ऐसे रहना चाहिए। हम क्या कैसे बताएं कैसे रहना चाहिए, कुछ कुछ उपमा अलंकार देना पड़ेगा। जैसे आप मेहमान बनकर किसी घर जाते, कौन के बीच कह रहा हूँ, मित्रों के बीच में, मैंने जिंदगी में यदि शादी नहीं होगी ना तो यही नहीं करने देगा। नौकरी लग रही होगी तो यही नहीं लगने देगा। अरे हम जानते हैं काम चोर है, हम जानते हैं नंबर एक का लड़की वाज है। मजा तो जब आए कि हॉस्टल का एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को अपनी बहन देने तैयार हो जाए। अब सोचो कैसे देगा वो, एक मित्र अपनी बहन, मित्र को अपनी बहन देने तैयार हो जाए, मैंने कितना आइडियल होगा उसका उठना बैठना सोना चलना फिरना। इसका नाम है रूप विशिष्ट। जरा रिश्ता आएगा भाई, जिन जिनको तुमने कहा कोई से पूछेंगे, अरे क्यों मित्र मित्र से पूछेंगे, क्यों तुम्हारे साथ पढ़ा था। हम क्या धर्मेंद्र जी से पूछेंगे क्यों तुम्हारे यहाँ पढ़ा था विद्यार्थी, हमारे इंटरव्यू के लिए आया, कैसा क्या है पढ़ाई लिखाई में, चाल चलन कैसा है, ठीक है। अब देखो उत्तर क्या दिया, ठीक है, नहीं वो समझ वो समझ गया, हाँ ठीक। फिर गहराई से उससे पूछेंगे, पकड़ जाएगा, गहराई से पकड़ने पर फौरन पकड़ जाएगा, कोई काम का नहीं है। मैं ये बात विद्यार्थी इसलिए कहता हूँ, बेटे नौकरी इसलिए नहीं मिलती तुम लोगों को, तुम अपने गुरुजनों का अनादर करते हो, गुरुजन जब छुप दोगे तो तुम्हारी क्या रिपोर्ट देंगे 5 साल बाद। तुम गुरुजनों को प्रसन्न कर दो 5 साल में, नौकरी अपने आप लग जाएगी, तुम्हें विवाह करने दौड़ना नहीं पड़ेगा, इधर उधर भी करा देंगे कोई ना कोई। डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी, उनको ही तो दी अपने विद्यार्थी को, शांति पाटिल जी का विवाह उन्होंने तो कराया अपने रिश्ते में ही। अब क्यों वे बहुत गोरी सुंदर है, कैसे गांव के किसान हैं पाटिल, मतलब किसान महाराष्ट्र में, नहीं कुछ नहीं गुण अच्छी है बस, अपनी अपनी रिश्तेदार के बच्चे खिला दी। विद्यार्थी को ही अपनी बेटी दी है, हमारा कहने का मतलब क्या है, गुण से। युगल जी ने अपनी बेटी किसको दी, विद्यार्थी को दी, प्रदीप झांझी जी को, मेरे मतलब समझ आया कुछ। यदि आप गुणाढ्य हैं, गुणाढ्य शब्द है ना गुणों का स्वामी, हाँ यदि तुम्हें दुखों से मुक्त होना हो तो ऐसे गुरु ढूंढो, समय ऐसे मिलेंगे नहीं तो मत मिलन दे, है ना। ये आचार्य कुमकुंद अमरचंद स्वामी है ना, है ना, इनके इनके चरणों में रहो। गुरुदेव के गुरु कौन है ना, तो 2000 साल पहले हुए वो, तो फिर उनके गुरु कैसे हुए। गुरुदेव श्री ने एक दिन भी आचार्य कुमकुंद स्वामी और अमरचंद स्वामी और जिनसेन स्वामी, मैंने जितने हुए जय जयसेन आचार्य, एक का भी उल्लंघन नहीं किया। बेचाहे थे तो पंचम गुण स्थान डिक्लेयर कर देते, हमने इतना अच्छा आचरण था, पंचम गुण स्थान डिक्लेयर कर देते, बैंसी वगैरह सबका आचरण बहुत अच्छा था, पंचम गुण स्थान होने में कुछ कमी नहीं है। अब ऐसी बात क्या कि मैं कहता हूँ तो लोग विवाद करेंगे फालतू की, तुम काय से नापते हो। लेकिन उनकी कितनी सरलता है कि उन्होंने अपने को अविरति कहा, छोटे पद में रह के बड़ा काम करते रहे। टोडोमल जी की आज्ञा नहीं छोड़ी, जे कह रहे अपन क्या सोचते हैं, जरा बैराग आया तो आगे बढ़ जाओ, तो ऐसा कर लूं, ऐसा मान लूं, ऐसा कर लूं, अरे जल्दी मत करो, गुरुदेव से शिक्षा ले, छोटे पद में रह के बड़े काम करो। टोडोमल जी ने क्या लिखा है, प्रतिज्ञा छोटी लो पालन बड़ा कर, गुणों का विशिष्ट हो, कितने एक एक शब्द देखो, रूप तथा बय, बय से विशिष्ट हो, बय मैंने उम्र, ऐसे नहीं 16-18 साल के 20 साल के और लड़कपन है, भी गुरु बनाने लायक नहीं है, जिनमें चंचलता है। अरे सब बहुत बात्सल्य, क्या बात्सल्य, अरे हम सबके गले में हाथ डाल ली थी, हंसते बोलते हमसे,
और खूब हंसी मजाक चलती, बढ़िया लगते ही नहीं हम गुरु के पास हैं, मित्र लगते हैं। अरे नहीं, वाय विशिष्ट आयु होनी चाहिए। तुम एक दूसरे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, क्यों बराबरी की हो तो वाय विशिष्ट नहीं है। और वही गलती हमारे सामने, नहीं बेटे ऐसे नहीं कर, हाँ ठीक। अच्छा वाय विशिष्ट का फर्क हुआ, बड़े जनों के पास आएंगे तो हम जल्दी मान लेंगे वो बात, वो बात तुम्हारी मम्मी समझाएंगी तो तुम समझ जाओ, पत्नी समझाएगी तो नहीं समझोगे। छोटा भैया समझाएगा तो नहीं समझाएगा। वही बात पिता ही समझे, बेटे वाय विशिष्ट समझ गए। अब संसार में भी इन गुणों का पालन हो तो सुखी होंगे लोग। लगभग 90% युवा दुखी हैं। क्यों दुखी? वाय विशिष्ट में अपने काका हैं, पिताजी हैं, बड़े हैं, उनसे पूछो शादी कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, व्यापार करें नहीं करें, कौन सा व्यापार करें नहीं करें, कर्जा लें नहीं लें, शोरूम बनाएं नहीं बनाएं, सलाह कौन से लेते हैं? मित्रों से। 25 मित्र बैठ गए रात को, मेरा विचार है हाँ कर कर, बढ़िया ऐसा शोरूम खोल और लोन ले ले, लोन वाले अब दुखी होने के रास्ते हैं। सब पढ़ो, अभी नीति शास्त्र पढ़ना चाहिए, नीति में लिखे सब, हालांकि नीति से कुछ होता ही नहीं, मंत्र का सहाय नहीं है तो नीति शास्त्र पढ़ के क्या करोगे, नीति में तुमने पढ़े होंगे सब, और पढ़ो। सलाह हमेशा अनुभवियों से लो, अनुभवी क्या कर क्या कहना है, जैसे तुम शराबे का बिजनेस करना है तो शराबे के जो रिश्तेदार हों कोई हो उनसे पूछो, कहो भाई कैसे क्या होता है, और फिर भी मत खोलो 5 साल, तुम तो उनके नौकरी कर ले, भले 5000 रुपये महीने दें, 5000 रुपये में तुम सब सीख जाओगे, वो 5000 देंगे अपन सीख लेंगे, अब अनुभव हो जाएगा, खाते लिखा पढ़ी GST पला जे वो, कैसे कैमरा को भी धोखा दे जाते हैं लोग, कैसे चोरी हो जाती है और कैसे नौकर सोना खा जाता है, क्यों खुद तो जा नहीं सकते सब जगह, भेजने तो पड़ेंगे आप आदमी, और आदमी ना कहा वही नींद लग गई, हमारे घर में ऐसी घटना हुई, वो नौकर बोला वही नींद ही लग गई, 1 किलो सोना लेके चला गया, अब क्या करो, नंबर 2 का काम है, तुम वहां से कुछ कह भी नहीं सकते, रिपोर्ट भी नहीं डाल सकते, होता है सब। अब ये अनुभव नहीं होंगे तो क्या होगा बोलो, एक झटका बहुत है, एक झटके बाद उठ नहीं पाएंगे। तो हर क्षेत्र में, जैसे व्यापार का बताएं, ऐसे विवाह, ऐसे हर खान पान, अनुभवियों से पूछो, पिज्जा खा खा के 25% बच्चे मोटे हुए अभी लॉकडाउन में, हाँ वो बीमार हो रहे, कमजोर हो रहे, परेशान हो रहे, रोगी हो रहे, तुम्हारे क्या कहते हैं हमें नहीं मारा, हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं, जिन्होंने न मानी बड़ों की सीख, लेके कपड़िया मांगी भीख, दोस्तों की बात कभी नहीं सुनना, हमने अपने दोस्तों की कभी नहीं सुनी, दोस्त कहते चल चल पिक्चर देखे आए, मैंने कभी एडल्ट पिक्चर नहीं देखी कॉलेज लाइफ में भी, बल्कि जब कॉलेज में हम पढ़ाने गए और पढ़ने भी गए तब तक हमारी पिक्चर ही छूट गई कॉलेज में, मैंने टॉकीज में पिक्चर देखनी छोड़ दिया था हमने, तो हम बच गए। उनकी सीख मान रहे हो तो बहुत मुश्किल थी, अनुभवी नहीं, मूल में हमें अनुभवी नहीं, अनुभवियों से सलाह लो। इसलिए यहां भी रूप विशिष्ट वाय विशिष्ट गुणाढ्य, गुणाढ्य कहलाता है गुणों के स्वामी, और श्रमणों के अति, आहा ये बड़ा शब्द है, बड़ा दुर्लभ शब्द है, श्रमणों को अति इष्ट, श्रमणों को अति इष्ट मतलब मुनि राजाओं में जो सबसे ज्यादा चाहे जाते हैं, दूर दूर तक लोगों ने याद करते, अरे भैया तो उनके संग क्यों, अरे भैया बहुत बढ़िया संग, हमारी तो क्या बताएं भावना ही थी कि उनके चरणों में हम रहते, अरे तुम उनकी सेवा कर रहे धन्य भैया, मैंने पूरे देश में जिन्हें सब उन्हें चाहें, श्रवणों में अति इष्ट। अब इसकी चर्चा 2 घंटे में भी कम हुए, मतलब अति इष्ट का क्या मतलब निकलेगा, हाँ अब देखो अति इष्ट थोड़ा समझो, क्योंकि इसका अर्थ समझाने में थोड़ी पसीना आएगा, है ना, इसके
अर्थ में थोड़ा पसीना आएगा। कोशिश करता हूँ एक दो घंटे तो नहीं बोलूँगा अभी, लेकिन 10-5 मिनट बोलने की कोशिश करता हूँ। अतिष्ठ मिथ्या दृष्टियों को भी गुरु इष्ट होते हैं जो हमें शीतलता दें, उस अर्थ में नहीं है जी। शीतलाचारी शिष्यों को शीतलाचारी गुरु अच्छा लगता है। हमने इतनी बड़ी गलती करी, हमने गुरु जी को बताई, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सुनो ऐसे गुरु को ग्रंथ में लिखा है करोड़ों बेरियों से भी बड़ा बेरी जानकर दूर से ही छोड़ देना। ऐसा लिखा है करोड़ों बेरियों से भी बड़ा बेरी जानकर इन्हें दूर से छोड़ देना जो तुम्हारी गलतियों पर कुछ ना करें, जो तुम्हारे दोष ना मिटाएं, तुम्हारे दोषों का पोषण करते चले जाएं, ऐसे गुरु को दूर से ही छोड़ देंगे। तो अतिष्ठ कौन, अब सोचो अतिष्ठ कौन होगी। मिथ्या दृष्टियों को तो ये अतिष्ठ नहीं हो सकते। आचार्य कुन कुन की गाथाएं अखरती हैं, क्यों अखरती हैं मित्र पक्ष में? इसलिए अखरती हैं, हमारे शीतलाचार्य का पोषण नहीं होता। टोडरमल जी अखरते, इसलिए टोडरमल जी के नाम पे विषम बात करेंगे। पंडितों को मत पढ़ो, पंडितों को मत, अरे तो पंडित क्या होती है, क्यों शीतलाचार का पोषण नहीं, क्यों? अब दो दृष्टांत देता हूं, पहले दो दृष्टांत। तुम्हें डायबिटीज है, दृष्टांत है वो, डायबिटीज है तो कौन सा डॉक्टर अच्छा लगेगा तुम्हें? डॉक्टर साहब 25 साल से शक्कर खाई, अब एकदम छोड़ूंगा तो दिक्कत है। हाँ ठीक है, थोड़ी थोड़ी खा लेंगे। अब डॉक्टर साहब कभी कभी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है, रसगुल्ला बन जाती है, हाँ तो एक दो खा लेना, इंजेक्शन लगा लेना। क्यों जे डॉक्टर बन गया बोला सब, सुबह सुबह नींद नहीं खुलती, हाँ तो ठीक है दोपहर में देख लेना। अच्छा डॉक्टर कौन होगा? सुना पर्चे यहाँ रखो, वापस जाओ, नहीं कर रहे हम तुम्हारा इलाज, ऐसा हम फीस देंगे। अरे हमें फीस नहीं चाहिए। अच्छा वो जा सके, फीस नहीं चाहिए, आप बोलो कितनी फीस दें। अरे चूल्हे में गई तुम्हारी फीस, उठो यहाँ से। ऐसे कैसा डॉक्टर है, हम पैसे दे रहे हैं, इसे पैसा प्यारा नहीं है। हाँ पैसा प्यारा नहीं है, मार्केट में पैसा प्यारा नहीं होता, गुडविल प्यारी होती है, क्रेडिट नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या बात है, आप एकदम नाराज हो गए, हमने क्या गलती करी? गलती सुबह उठोगे 5 बजे बोलो तो इलाज करें। दौड़ना पड़ेगा कि साहब हाँपन लगते, यही तो हम चाह रहे हैं, हाँपो, हाँप नहीं तो उसका इलाज है, डायबिटीज का इलाज क्या पता है, हाँपना। जब तुम तेज तेज चलोगे, तेज तेज दौड़ोगे, सीढ़ियां चढ़ोगे उतरोगे, हाँपोगे, अपने आप बस बीमारी हो जाएगी इसका था। कोरोना का इलाज क्या है पता है? यदि गवर्नमेंट वैक्सीन ना बनाती और ये सब ये ना करती, पूरे इंडिया को ये कह देती सुबह 5 मिनट दौड़ो बस, कंपल्सरी, पुलिस वाले आते जगाने चल। यदि 5-5 मिनट दौड़ लेते ना सुबह, एक भी बच्चे को, एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं होता। लेकिन आलसी बैठे ना, खाओ पियो पड़े रहो एसी में, खाओ पियो और गाड़ियों से सब्जी लेने जाओ, पैदल सब्जी लेने नहीं जा सकते, पैदल पानी नहीं भर सकते, बहुत बढ़ गया। अब नहीं सही कोरोना, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, कोई ना कुछ तो हो ही जाएगा। कितने मर गए, क्यों कितने मर गए जाए तुम्हारे वहाँ पे, तुम्हारे 1.5-2 लाख मर गए, 3.5-3.5 लाख अमेरिका में, 35 लाख मर गए और 1.5-2 करोड़ शायद 1.5-1.5 करोड़ इन्फेक्टेड है। मतलब अब बस आप कितने मर गए, कहाँ मर गए भैया? अमेरिका तो बड़ा विकसित देश है, वो यहाँ से सोचते जैसे हम बिल्कुल स्वर्गवासी। अमेरिका को ऐसे समझते जैसे सबसे ज्यादा वहीं मरे, समझ गए? क्या मैं तो एक बात कह रहा हूं, तो बता कौन सा डॉक्टर इष्ट होगा? अब समझ गए होगे, ऐसे जो श्रमणों को अतिष्ठ, क्योंकि श्रमण भगवान बनना चाहते हैं
और शीतलाचार्य से भगवान बनते नहीं है, और हमारे गुरु इतने बढ़िया भी शीतलाचार्य ही नहीं है। शीतलाचार्य ही नहीं, चलो बेटा हाँ हम यही तो चाह रहे, ये नहीं आओ हमारे दोस्त निकाल दो। कैंसर वाला क्या चाहता है बोलो, वो कर पाती ना, क्या करते हैं वो केमियो थेरेपी वगैरह, इतनी पीड़ा होती है उसमें भयंकर, अंदर ऐसा लगता है जैसे झुलस रहा है आदमी, बाल उड़ जाती है ऐसे, सिर ऐसा गर्म होता है, आग लगती है अंदर अंदर ऐसी हीट, बर्दाश्त करता है, क्यों बर्दाश्त कर लेता है जितनी, इसलिए कि जितनी जल्दी हो सके तो ये मैं कैंसर से मुक्त हो जाऊं। हालांकि वो शरीर से ही मुक्त हो जाता बेचारा, लेकिन कोशिश तो यही ना उसकी, मुझे ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए जो मेरे कैंसर के कीटाणुओं की सुरक्षा करता रहे, मेरी ओर देखता रहे, मेरी ओर मत देखो, मैं तो रोऊंगा, मैं तो चिल्लाऊंगा, लेकिन आप कर दो जी। ऐसे ऐसे गुरु चाहिए। मेरे तो अनादिकाल की आदत है शीतलाचार्य की, भ्रष्टाचार की, ऐसा गुरु चाहिए जो दृढ़ होकर, नहीं करते हो कि नहीं करते, भगवान नहीं बनोगे तुम, आनंद संसार रखोगे फिर, अति इष्ट का मतलब ये है, जो श्रमणों को अति इष्ट हैं ऐसे गुरुओं के चरणों में जाकर अनुग्रहित हो गए, अर्थात उनका अनुसरण करके उनके द्वारा ग्रहण कर लिए गए। गुरुओं ने ग्रहण कर लिए बहुत बड़ी बात है, जैसे एक सबसे बड़ी डॉक्टर तुम्हें ले लेना, ये ऐसी बात है। शीतलाचार पोषक कदम कदम पे मिलेंगे, अच्छी मिलेंगे, नहीं तुम्हें मिल जाए तुम्हें कीमत करो, टोकने वाली, रोकने वाली, डांटने वाली, क्योंकि बैक्टीरिया दूर कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, कैंसर के कीटाणु दूर कर रहे हैं, मोहे कैंसर है, मोहे कैंसर है, दर्शन मोहे, दर्शन मोहे कैंसर है। तकलीफ होती है थोड़ी सी, सम्यक दृष्टि होती तकलीफ नहीं होती, मिथ्या दृष्टि की बहुत तकलीफ होती है। हाँ एक बार तुम्हारा वो कैंसर सही हो जाए ना, फिर धीरे धीरे सही होता चला जाएगा, मूल मूल सही हो जाए तो फिर कमजोरी तो चली आएगी, चारित मोह माने कमजोरी और दर्शन मोह माने असली कैंसर, चारित मोह माने कैंसर नहीं है, अब रह गई कमजोरी, वो कमजोरी धीरे धीरे चली जाएगी। गुरुओं को लगता है किसी तरह मिथ्या दूर हो जाए, सुख बुद्धि दूर हो जाए, इन क्रियाओं में, इन पापों में, इन विकल्पों में, इन संयोगों में, तेरी बुद्धि सुख बुद्धि दूर हो जाए, ये उपाय करते हैं है? अनुग्रहित हो गए, ओहो गुरु उन्होंने ग्रहण कर लिया। देखो कितनी बातें आई इसमें, इन दो गाथाओं में, सूचना देना कंपलसरी है रिश्तेदारों को, दीक्षा लेना है तब, क्यों भी बेचारे पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, हमारा बच्चा गायब हो गया, पुलिस में रिपोर्ट लिखाए, अच्छा तुम क्या के नहीं जाओगे, सबसे कहा भैया चोरी छिपे क्यों गए, घर में कोई समस्या तो नहीं थी, घर में कोई डिप्रेशन तो नहीं था, समाज में जबरन माहौल खराब, कहीं कर्जा में तो नहीं थी, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं थी, ऐसा तो नहीं पैसे वैसे खा के भग गए, नहीं इसलिए सबको बता के जाओ, देखो दूरदृष्टि, ताकि मुनि संघ की बदनामी नहीं हो, नहीं तो ऐसे संघों को फिर लोग ऐसा कहते जी उठाई गिर रहे हैं, अपने बच्चों को इनसे दूर रखो, जाने कब भड़का के ले जाएं, भावुक करके ले जाएं, इमोशनल करके ले जाएं, तो ऐसे गुरु जिस नगर में जाएंगे वहां उनकी बदनामी हो जाएगी, मुनिराजों पे, साधुओं पे, आचार्यों पे वो आक्षेप आएगा, इसलिए नहीं सूचना देना पड़ेगी, बिना पूछे नहीं बता के आओ, नंबर एक, और पत्नी आदि से छुड़ा के आओ, नहीं तो रोने लगेगी संघ में आके, सारा मुनि संघ बिराजा हुआ है और महिला आके रोने लगी, तो जब वह बोए तो होगी बातें तो होंगी, क्या बात, क्या बात पूछ के नहीं आती, धोखेबाज हैं हमें ऐसे छोड़ के आ गए, बताया तक नहीं, यशोधरा ने उलाय ना दिए ना उस किताब में, कौन सा पाठ हो, यशोधरा है ऐसे जो नाम है उसका बुद्ध का, सुबह सुबह उठ के चले गए, बिना कहे चले गए रात को, आधी रात को, तो उसमें ये उलाई ना दिया, मैं क्या रोक लेती, उलाई ना दिया मैं क्या रोक लेती,
कैसा है तुम्हारा बैराग, क्या वो राग से रुक जाता है? इसका मतलब तुम्हारा बैराग सच्चा नहीं है, तुम चले गए बिना कहे चले गए, कोई फायदा नहीं। मैंने उसमें बहुत लिखा है कवि ने, मैंने इतनी छोटी छोटी बात पकड़ते हैं कभी लोग कि बिना कहे क्यों गए, जैन धर्म में बिना कहे नहीं जाते। सब रोएंगे, हाँ यही तो तुम्हारी परीक्षा है, रोएंगे भी तो उन्हें कैसे सेटिस्फाइड करोगे, तुम्हारा जीवन से उन्हें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए, आपका जीवन इतना बढ़िया होना चाहिए। बताकर छूट कर, अब उसकी भाषा लिखेंगे अभी टीका में, अभी तो अपन टीका नहीं पढ़ी, शाम को टीका पढ़ेंगे इसकी। कैसे बोलते हैं, बहुत सुंदर भाषा बोलते हैं वो, वेद विज्ञान की भाषा है, हे इस देह के पिता ये जनक, इस देह के जनक, निश्चय से ये आत्मा तुम्हारा जन्य नहीं है। पढ़ी भाषा इसकी, पढ़ना है, निश्चय से ये आत्मा तुम्हारा जन्य नहीं है। और कैसे लिखा पता है, हे इस देह के जनक के शरीर में रहने वाली आत्मा ये आत्मा तुम आत्मा का भी जन्य नहीं है, और तुम मेरे जनक नहीं, मैं तुम्हारे जन्य नहीं हूं। जन्य समझ गए, जनक और जन्य, हाँ मैंने कैसी भाषा बोल रहे, बढ़िया भेद विज्ञान। देखो इस शरीर को छोड़ो या मत छोड़ो, हमने तो इसे छोड़ ही दिया है, हमें तो आप भी भिन्न आत्मा दिखाई दे रहे, शरीर भिन्न दिखाई दे रहा है, ये हमें भिन्न दिखाई दे रहा है, हम रह नहीं पाएंगे। आप इस देह को रखोगे ये मुर्दे की तरह रहेगा, हम रह नहीं पाएंगे। अब हम प्रजेश संविधान के लिए जाना चाहते हैं, आपकी भाषा इतनी अच्छी होगी उन्हें लगे नहीं भी। एक नाटक लिखा था आचार्य कुन कुन संबंध, माता रोती है पिता रोते हैं, और बहुत है सुना ही होगा, हट तजोरी, नहीं सुना, हट तजोरी मोह तजोरी तो माता पिता बहुत सब बहुत लंबी चर्चा चलती है, आखिरी में पुत्र एक बहुत सुंदर बात कहता है, बहुत सुनने जैसी है। अंत में पुत्र कहता है, हे माता पिता मैं जानता हूं तुम मेरे हितेशी हो, तुम मुझे दुख के मार्ग में नहीं डालोगे, मैं जानता हूं तुम मुझे सुख के मार्ग में जाते हुए देखना चाहते हो, तुम ही फैसला करो, यदि तुम करोगे नहीं जाओ तो हम नहीं जाएंगे, तुम कहो जाओ तो चले जाएंगे, तुम जो कहो हम करेंगे। तो फिर माता पिता को क्या कहा, मोक्ष मार्ग में दुख है ही नहीं, जिसे तुम दुख कहते हो वह दुख नहीं है। मैं इस शरीर के 10-50 साल 100 साल 50 साल 100 साल इस अनुकूलता के सुख को भोग लूं, मैंने वो दुख ना भोगू जिसे तुम सोच रहे दुख, नग्नता ठंड गर्मी भूख प्यास, इसे तुम दुख कहते हो, लेकिन इसके बाद वो अनंत काल की भूख प्यास का क्या होगा, अनंत काल का जन्म मरण का क्या होगा, मुझे कौन बताने आएगा, मुझे आचार कब मिलेंगे, मुझे जैन धर्म कब मिलेगा। हे माता उस नरक निगोद तुम बचाने कैसे आओगे, चार गति 84-83 में हम कैसे बचाओगे, हमें तो दुख नहीं लग रहा, तुम्हें दुख लग रहा है, लेकिन इतने से दुख को के नाम पर यदि अनंत सुख आता हो तुम्हारे अनुसार दुख और अनंत सुख आता हो तो मैं नहीं जाऊं, मैं प्रत्यक्ष संवेदन नहीं करूं, मैं जन्म मरण का अंत नहीं करूं, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा भगवान बने, हमारे तुम्हारे आप कितने साथ का समय का साथ, 10 साल 20 साल 25 साल पिता पुत्र कितने दिन संग रहेंगे, मुंह होता जो ऐसे 2-3 डायलॉग बोले इसने, अच्छे अब जाओ, अब क्या कहे, अब तुम जाओ बेटा, हमारा जो होगा हम भी मोह मिटाने की कोशिश करेंगे, हम भी धीरे धीरे अपना दीक्षा लेंगे आत्मकल्याण करेंगे, लेकिन अभी तुम जाओ। मैंने जब तक आपको फिर समझो,
भावुकता का नाम वैराग्य नहीं है, तत्व अभ्यास। इसलिए ग्रंथ कैसे प्रारंभ हुआ, तीसरा अध्याय, दो अध्याय को याद किया उसमें, ज्ञान प्रज्ञापन और ज्ञेय प्रज्ञापन के बाद उसे वैराग्य आया। मैंने भली भांति छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय किया तब वैराग्य आया उसका, जब बिल्कुल पक्का सच्चा निर्णय हो जाए, सच्चा वैराग्य हो जाए, तब ये दीक्षा की बात है। बाकी विचार करना, अपन चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।